नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल एनके कंसेप्ट्स। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे स्पॉट करें किसी फेक नाइकी शूज को। दोस्तों, आपको मालूम ही होगा कि आजकल ओरिजिनल चीज आने से पहले उसकी डुप्लीकेट कॉपी मार्केट में आ जाती है और वो डुप्लीकेट कॉपी भी इतनी अच्छी तरीके से बनाई होती है कि डिफरेंस करना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है कि वो माल असली है या नकली है। चाहे वो मोबाइल फ़ोन्स हों, चाहे मेमोरी कार्ड्स हों, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स हो, पावर बैंक हो, आपकी हेडफोन्स हों या फिर आपके शूज़ हों, डुप्लीकेसी बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है। आज मैं आपको एक नाइकी का शू अनबॉक्स करके दिखाऊंगा और उसमें आपको बताऊंगा कि क्या क्या आपको देखना चाहिए कोई शूज़ ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है। और दोस्तों, आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। दोस्तों, इससे हमें सपोर्ट मिलेगा और इससे क्या होता है दोस्तों कि हम पूरी कोशिश करें कि अच्छे से अच्छा कंटेंट आपके लिए लेके आते रहे। इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने ऑलरेडी बहुत रिसर्च की है, बहुत सारी वीडियोज़ देखे हैं, गूगल पर सर्च भी किया है और मैं आपको बता दूँ, जेन्युइनली जो आपको यूट्यूब पर जो डेटा मिलेगा फेक शूज़ के बारे में, बहुत ही कन्फ्यूज करने वाला मिलेगा। क्लियर शब्दों में आपको वो चीज़ नहीं मिलेगी। तो मैं आपको क्लियर शब्दों में बताऊँगा कि कोई जूता होता है कि आप 99% उसको पहचान जाएंगे कि वो असली है या डुप्लीकेट कॉपी है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये शूज है मैंने पेटीएम मॉल से खरीदा है, पेटीएम मॉल ऐप से मैंने इसे मंगाया था और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है कहां से मैंने कौन सा जो जूता मैंने परचेज किया है। जैसे मैं इसको ओपन करता हूं दोस्तों, इस तरह का कुछ बॉक्स नाइकी का आपके सामने नजर आएगा और मैं आपको बता दूं, जो पहली चीज आपको देखनी है वो बॉक्स देखना है। दोस्तों, नाइकी के बॉक्स जो हैं, आपको ओरिजिनल शूज के साथ नाइकी का बॉक्स जरूर मिलेगा। अगर आपको बॉक्स नहीं मिला है तो बहुत सारे चांसेस होते हैं कि वो जूता डुप्लीकेट है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बिना बॉक्स के हर जूता डुप्लीकेट है, मगर ज्यादा चांसेस इसी के यही होते हैं कि वो डुप्लीकेट मिलेगा, क्योंकि कंपनी बॉक्स तो जरूर प्रोवाइड करेगी आपको जूते के साथ। तो मैं उसके बाद बॉक्स को ओपन कर लेता हूं, उसके बाद शूज को बाहर निकालता हूं। शूज को पहले लुक में आपको सबसे पहले क्या देखना है दोस्तों, आप जो उसकी कंडीशन से उसको पहचान जाएंगे वो ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है। डुप्लीकेट शूज में क्या होता है कि जो ये वाला पोर्शन, जो लाइनिंग वाला पोर्शन शोल का और जो मेन शू का जो बीच वाला पोर्शन है जहाँ पे इसको पेस्ट किया जाता है, इस पोर्शन में आपको बहुत सारा ग्लू लगा मिलेगा। जो आपके फेक कॉपी जूते होंगे, जो नकली जूते होंगे, वो जो ग्लू है वो आपके जो मेन वाले पोर्शन में भी लगा हुआ आपको मिल सकता है। उसके बाद आप शोल देखें, शोल में जो ओरिजिनल शूज होता है दोस्तों, उसमें शोल दो मटेरियल की बनी होती है मेनली। एक तो अंदर का जो मटेरियल आपको व्हाइट कलर में नजर आ रहा होगा, ये वाला मटेरियल होगा काफी सॉफ्ट होगा, एक फोम की तरह फ्लेक्सिबल होगा, आप इसको दबाएंगे तो आराम से फोम की तरह ही दबेगा। मगर नीचे वाला जो पोर्शन होता है वो हार्ड होता है थोड़ा, और इस पर आपको अच्छी ग्रिप भी दी होती है, जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी ग्रिप इसके ऊपर दी गई है। ये काफी हार्ड मटेरियल है, जल्दी से घिसेगा नहीं, और अंदर वाला जो आपका व्हाइट कलर वाला मटेरियल आपको कुशन इफेक्ट प्रोवाइड करेगा। जो नकली जूते होते हैं दोस्तों, उसमें क्या होता है, ये दोनों ही जो मटेरियल होता है वो एक ही मटेरियल से बना देते हैं, सिर्फ ब्लैक कलर का कुछ कलर टाइप में वहां पर दे देते हैं, वो सेम ही मटेरियल का आपका होता है। मगर ओरिजिनल शूज में आपके दो डिफरेंट मटेरियल आपको देखने को मिलेंगे। और आपको बता दूं, जो आपकी सोल है नाइकी की, शूज में कहीं भी नाइकी नहीं लिखा हुआ है, आप देख लीजिए, आपको मैं करीब से दिखा देता हूं, कहीं पर भी आपको नाइकी लिखा हुआ नजर नहीं आएगा। उसके बाद बात करता हूं मैं, आपको अंदर एक लेबल देखना है, यहाँ पर एक लेबल नजर आएगा दोस्तों, मैं आपको इसकी फोटो दिखा देता हूँ। इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें 9 डिजिट का एक नंबर होता है, इस 9 डिजिट के नंबर को हम बोलते हैं SKU कोड। तो इस 9 डिजिट के नंबर को हम बोलते हैं SKU कोड। तो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, इसको सिंपली चिपकाया नहीं गया है, इसके जो चारों तरफ जो बाउंड्री आपको नजर आएगी इसमें, इसको प्रॉपर तरीके से यहाँ पर जो एक पेस्ट से पेस्ट नहीं किया गया, इसको परमानेंट यहाँ पर फिक्स कर दिया गया है। जो नकली जूते, जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, नकली जूतों में क्या होता है, इसको एक स्टिकर टाइप में होता है और वो आराम से कुछ दिन के बाद बड़े ईजिली उतर जाता है। अगर मैं बात करूँ इसके इनर सोल की, तो इनर सोल पे भी देख सकते हैं दोस्तों, कोई भी नाइकी नहीं है। मैं आपको बता दूं, इस पे नाइकी नहीं लिखा हुआ है। आप कोई भी जूता आप अमेजोन पे, पेटीएम पे, मिंत्रा पे देख लीजिए नाइकी का, इस पोर्शन में कोई भी नाइकी आपको जनरली देखने को नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं वो डुप्लीकेट शूज है, वो ओरिजिनल शू है नाइकी। और जो डुप्लीकेट शूज़ होते हैं, वो जगह जगह आपको मल्टीपल स्टिकर दे सकते हैं इधर उधर, जो फालतू की जगह पर जहाँ पर आपको जरूरत भी नहीं है, तो वो भी एक डुप्लीकेसी की पहचान होती है दोस्तों। और उसके बाद मैं बता दूं दोस्तों, जो आप ये वाला जो नाइकी का यहाँ पर आप लोगो देख रहे हैं, ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। इस पर आप उंगली फिराएंगे ना तो काफ़ी आपको उभरा हुआ नजर आएगा। जो फेक शूज होते हैं, एक सिंपल पतला सा स्टिकर होता है उसके ऊपर, वो उभरा हुआ पोर्शन उसमें नहीं होता है। और जो फिनिशिंग है इसकी बहुत ही अच्छी है। फेक शूज में क्या होता है दोस्तों, आपको जो ये कर्व है, जो कर्व आपको नजर आ रहा है, ये प्रॉपर नहीं होगा और यहाँ पर कोई छोटा मोटा नोच भी दे देगा वो, तो यहाँ से भी आप उसको पहचान सकते हैं बहुत ही ईजिली।
और उसके बाद जो मैं मोस्ट इंपोर्टेंट चीज आपको बताता हूं दोस्तों, जहां पर मैंने आपको बताया था 9 डिजिट का SKU कोड जो होता है उसको आप नोट डाउन कर लीजिए, और उसके साथ में एक यहां बारकोड भी दिया हुआ है, बारकोड का नंबर भी आप देख लीजिए। दोनों को नोट डाउन करने के बाद क्या कीजिए दोस्तों, आप जो बॉक्स के ऊपर भी कुछ लेबल आपको नजर आएंगे, यहां पर एक बारकोड दिया हुआ है, यहां पर SKU नंबर यहां पर भी दिया हुआ है, और साथ में एक SKU नंबर आपको यहां पर भी दिया हुआ है दोस्तों। तो हर जगह आप SKU नंबर आप देख लें, और SKU नंबर आपका और बारकोड का जो नंबर है वो आपको हमेशा सेम मिलना चाहिए, बॉक्स पे भी और शूज पे भी। नॉर्मली फेक कॉपीज में अगर आपको बॉक्स भी आपको प्रोवाइड किया गया है तो जो बारकोड नंबर वाला लेबल आपको मिलेगा ही नहीं, SKU कोड आपको बॉक्स पे मिलेगा ही नहीं, सिंपल जो डिस्क्रिप्शन ये नॉर्मली दी हुई है सिंपली आपको यही मिलेंगी। तो दोस्तों ये पहचान है कैसे आप फेक शूज को स्पोर्ट कर सकते हैं, और इतना मेरे हिसाब से आपके लिए सफिशिएंट होगा जानने के लिए। और उसके अलावा मैं बता दूं दोस्तों, आजकल इतनी अच्छी अच्छी कॉपी प्रोवाइडेड की गई है मार्केट में, तो किसी के लिए पहचाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, मगर जो मैंने कॉमन चीज़ें हैं जहाँ से आप 90% श्योर आप पहचान लेंगे जूते को, और बचा हुआ जो 10% है दोस्तों उसमें बताना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है कौन सा जूता असली है कौन सा नकली है। और बता दूं दोस्तों, नकली जूते बनाने वाले बहुत दिमाग लगाते हैं अपना, मगर फिर भी आप इजीली स्पोर्ट कर लेंगे उनको, मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और सपोर्ट कीजिए दोस्तों, आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।